नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ। 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। डेल्टा वेरिएंट को लेकर WHO की चेतावनी, जल्द ही विश्व स्तर पर बन जाएगा सबसे प्रमुख कोरोना का स्ट्रेन। मॉनसून सत्र को लेकर अमित शाह ने कहा, जासूसी कराने की रिपोर्ट पर विपक्षी शोर की क्रोनोलॉजी समझिए। केरल में बकरीद पर छूट से उठे सवाल, लॉकडाउन में ढील दिए जाने के मामले में आज फिर सुनवाई। तिरुपति मंदिर में भक्त ने चढ़ाई 5 किलो की सोने की तलवार, 1 करोड़ रुपए की है लागत। मानसूनी बारिश से भीगा पूरा देश, अगले कुछ घंटों में यूपी हरियाणा दिल्ली के कुछ इलाकों में मेघा बरसने का अनुमान। यूपी में काफी नियंत्रण में कोरोना वायरस संक्रमण, 24 घंटे में 55 जिलों में एक भी नया केस नहीं। यूपी में नहीं मिलेगा 1 संतान वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर फिर से मंथन कर रहा विधि आयोग। हटाएगा उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त रिगिजियान सैम्फिल, 7 IAS अफसरों का तबादला। योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कहा बकरीद के में गौवंश का प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो एवं एक जगह पर एकत्र ना हो 50 से ज्यादा लोग। अपर्णा यादव ने अपनी होर्डिंग में लगाई अखिलेश की तस्वीर, लखनऊ में कैंट विधानसभा क्षेत्र की नई टीम भी बनी। MH-7 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और P-8 के जरिए अमेरिका और भारतीय नेवी में संबंध होंगे और मजबूत, पेंटागन। भारत यात्रा को लेकर अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में किया सुधार, नागरिकों को यात्रा पर पुनर्विचार करने की दी सलाह। यूरो कप 2021 में जीत के जश्न ने बिगाड़े इटली के हालात, तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। बगदाद में करीब बकरीद के दिन पहले बम विस्फोट, 18 की मौतें, दर्जनों घायल, पीएम ने घटाया पुलिस कमांडर। तालिबान के बढ़ते प्रभाव के बीच राष्ट्रपति गनी के पाक को सुनाया खरी खरी, पीएम मोदी को जमकर सराहा। क्वारंटाइन से बाहर आए ऋषभ पंत, दूसरे प्रैक्टिस मैच से पहले टीम से जुड़ेंगे, 8 जुलाई को कोरोना हुए थे संक्रमित। एलेक्स कैली और ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम के 26वें कप्तान बने, फिंच के चोटिल होने पर मिली कमान। श्रेयस अय्यर चोट की वजह से रॉयल लंदन कप 2021 टूर्नामेंट से हुए बाहर, IPL 2021 खेलने पर भी सस्पेंस। जो रूट ने पेश की खेल भावना की बड़ी मिसाल, रन लेते वक्त चोटिल हुए बल्लेबाज को नहीं किया रन आउट। चेन्नई सुपर किंग्स अगले महीने से जुटेगी IPL की तैयारियों में, चौपाक में लग सकता है क्या। अमिताभ बच्चन ने शेयर की भुज द प्राइवेट ऑफ इंडिया का एक्शन सीन, शूट करते हुए बुरी तरह जख्मी नोरा फतेही। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया कौन बनेगा करोड़पति 13 का प्रोमो वीडियो के दूसरे पार्ट का करना होगा इंतजार। भारती सिंह की कुशारदा कृष्णा अभिषेक के साथ कपिल ने शुरू की शूटिंग, बोले पुराने चेहरों के साथ नई शुरुआत। ऐश्वर्या ने अगली फिल्म की आधिकारिक घोषणा की, ऐश मणि रत्न की फिल्म PS-1 यानी पोनियन सेल्वान से फिल्म में कर रही है वापसी।
ईशा धवल की एक दुआ का ट्रेलर आउट, 26 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म 10 साल बाद। इस फिल्म में ईशा बड़े पर्दे पर करेंगी वापसी। बाज 25 में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।